मैं अब कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। और कोटा में जब भी अकाउंट्स का नाम आता है तो नीरज अग्रवाल जी का नाम जरूर आता है। कोटा रोटरी क्लब के अध्यक्ष और साइनक एजुटेक के डायरेक्टर श्री नीरज अग्रवाल जी को मैं आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप ने बता ही दिया कि मेरा स्टूडेंट रहा हुआ है और जब पढ़ रहा था तो बड़ी कविताएं वविताएं लिखता था। और अलबेला भाई तो अभी चले गए हैं लेकिन उनको कॉलेज टाइम पे बहुत सुना है। और हम तो देखिए श्रोता हैं, बेसिकली श्रोता हैं। और दशहरे मेले में वो रात को 10 बजे से लेके और सुबह 5 बजे तक कविताएं सुनने का काम हमने किया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक आशिक या तो कभी जोर मार जाता है या एक टीचर जोर मार जाता है। तो ये शब्दों की महफिल है तो शब्द के लिए चार बातें कहना चाहूंगा कि शब्द शब्द बहुतंत्रा, शब्द शब्द बहुतंत्रा, शब्द के हाथ न पाऊं, शब्द शब्द बहुतंत्रा, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे खाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे खाओ। देखिए मैं स्टूडेंट, मैं टीचर हूं और स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अभी कोटा में जो सुसाइड वगैरह भी हुए तो मैंने यही कहा कि दूध फटने से वो परेशान होते हैं जिन्हें रसगुल्ला बनाना नहीं आता। दूध फटने से वो परेशान होते हैं जिन्हें रसगुल्ला बनाना नहीं आता। जीत ही जाएगा, अरे जीत ही जाएगा वो हर मंजिल, जीत ही जाएगा वो हर मंजिल जिसे मुसीबतों में हार जाना नहीं आता। अच्छा आज क्या हुआ, मैं थोड़ी बहुत लूटी पीटी मोहब्बत की शायरियां लिख देता हूं। अब वो मुझे पता लग गया कि मैंने क्यों लिखी। कि एक बार क्या हुआ, सुरेश भाई के प्रोग्राम में गया था और वीडियो बना लिया और वीडियो गर्लफ्रेंड को भेज दिया। उन्होंने कहा कि भाई गर्लफ्रेंड को भेजोगे तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी, तो बस मेरी वाली ने भी फ्रेंड रिक्वेस्ट उन्हीं को भेज दी। तो तब से फिर मैं ये लिखने लगा। मेरा जोनर वही है बेसिकली कि जाता ही नहीं रूह से मेरी वो तन्हा, जाता ही नहीं रूह से मेरी वो तन्हा, बस गया है इस कदर, जाता ही नहीं रूह से मेरी वो तन्हा, बस गया है इस कदर, किरायेदार ही रहता तो अच्छा होता। हमें क्या पता था, प्यार प्यार खेलना था, हम तो सच में प्यार कर बैठे। हमें क्या पता था, प्यार प्यार खेलना था, हम तो सच में प्यार कर बैठे। अरे उस बेवफा पे इतबार न करना था, अरे उस बेवफा पे इतबार कर बैठे। और उसने भी कहा कि अच्छा तुम्हारे इमोशन नहीं है भाई, इमोशन हमारे भी हैं, तो हमारे इमोशंस को भी समझो। तो हमने कहा जज्बात जब उसके पढ़ने लगे तन्हा, जज्बात जब उसके पढ़ने लगे तन्हा, जज्बात जब उसके पढ़ने लगे तन्हा, जज्बात ऊपर लिखा था, जज्बात जब उसके पढ़ने लगे तन्हा, जज्बात ऊपर लिखा था, अंदर के पन्ने मगर खाली मिले। मर गए हम तो इल्जाम तुझ पर आ जाएगा। संजय भाई मर गए हम तो इल्जाम, बस इसीलिए जिए जा रहे हैं। एक और सुना दो, देखिए मैं देश पे भी लिखता हूं और अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा किसान वाला भी चला। बहुत से लोगों ने मुझे फेसबुक पे गद्दार भी घोषित कर दिया। वो कहते हैं तुम गांधी के हो, तुम नेहरू के हो, वो कहते हैं तुम गांधी के हो, नेहरू के हो, प्राणी किस किस के हो, इधर वाले कुछ और कहते हैं, उधर वाले कुछ और कहते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि मेरा वोट
मेरा वोट किसी का गुलाम नहीं है और मेरा किसी आका को सलाम नहीं है। और इस देश की जब आप बात करते हो, संक्षिप्त रखूंगा और लास्ट दो लाइन इस देश के लिए कहना चाहूंगा। अभी कविता लिख रहा हूं, उसकी दो शुरुआत की लाइनें सुना देता हूं। इस देश की बात करते हैं वो लोग, अली ने बेचे फूल दिवाली के, अली ने बेचे फूल दिवाली के राम में सिवैया रमजान की, अली ने बेचे फूल दिवाली के राम में सिवैया रमजान की, महका 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 रही है इस पूरी दुनिया को, ऐसी खुशबू है मेरे हिंदुस्तान की।